अभी हम देखने वाले हैं कैसे इजीली हम लोग माइक्रोवेवन साफ कर सकते हैं। तो एक नींबू, आधा नींबू लेके उसको निचोड़ दीजिए, फिर वो नीचे जो पानी है उसको हम लोग माइक्रोवेवन में रख लेंगे। और माइक्रोवेवन को नॉर्मल माइक्रोवेव मोड में पंद्रह से 20 मिनट रख दीजिए, चाहे तो 30 मिनट तक भी रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो पानी से वाप निकलता है या मॉइस्चर निकलता है तो माइक्रोवेवन के चारों तरफ लग जाएगा। पानी गर्म होने के बाद उससे वाप निकलता है, गर्म पानी गर्म हो गया है निकल गया। देखिए कि आपको अगर लग रहा है कि चारों तरफ ठीक से लग गया है पानी तो उसको आप बंद करके साफ कर सकते हैं। उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, लगाने के बाद जब गर्म हो जाएगा फिर से आप तो जाके फिर से गर्म करके पानी पूरा चारों तरफ लग गया है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो देखिए इसमें मॉइस्चर आ गया है, जो नींबू के जो पत्तू रहते हैं वो चारों तरफ पानी मॉइस्चर वगैरह पूरा दिख रहा है। आप ज़्यादा पानी गर्म करेंगे उतना मॉइस्चर चारों तरफ से लग जाएगा ठीक से। हो जाएगा तो सर 5-10 मिनट छोड़ दीजिए, तो जो मॉइस्चर लगा है वो थोड़ा ठीक से चारों तरफ लग जाएगा। फिर आप उसको अच्छे से साफ कर सकते हैं। एक अच्छा सा क्लॉथ ले लीजिए, तो अभी हम लोग जस्ट अभी निकालने वाले हैं। मैंने जो पानी था हमने नींबू निचोड़ा तो पानी निकाल दिया। अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए चारों तरफ अच्छे से मॉइस्चर लग गया है। डोर पे भी अच्छे मॉइस्चर्स जो आ चुके हैं। अगर आपको लग रहा है ये ठीक से आया नहीं है तो और थोड़ी देर हम गर्म कर सकते हैं पानी को। अभी मैं साफ कर रहा हूँ, तरफ आप हर तरफ हाथ घुमा के साफ कर लेना। और ये 15 से 20 दिन के अंदर हम अगर करेंगे तो ये अच्छे से साफ होके क्लीन